असलम गुड इवनिंग एम वी वीर यू वॉचिंग क्रॉफ फाय विद मेहर बुखारी हमारा आज फोकस यही रहेगा कि हमारी जो यूथ है हमारे जो नौजवान हैं हमारे बच्चे जो हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कौन से मुख्तलिफ निज़ाम तालीम हैं जो इस मुल्क में अभी भी फ्लरिश कर रहे हैं और क्यों एक पॉलिसी हमें नहीं नज़र आती है द बोर्ड जिसकी वजह से एक इक्वालिटी भी हमारी मुतासर होती है आपके डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स तो सामने आते हैं जिसमें कोई खूबसूरती तो शायद हो सकती है मगर उसके साथ साथ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा सामने आ जाती है कोई अगर पॉलिसीज़ हों प्रोग्राम्स हों वो क्या वेल रिसर्च और वेल थॉट आउट क्यों नहीं होते बिफोर इम्प्लीमेंटेशन उनके क्या जो है मनफी असरात मुरतब होते हैं इसी के ऊपर आज बात करेंगे हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड पैनल भी बैठा है हम लाइव वीफर्स भी लेंगे और बात करेंगे अपने उन नौजवानों की अपने कल की नस्ल की कि जिनमें शायद अभी हम सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं कर रहे और इसका भुगतना भी हमें ही और इस मुल्क को ही पड़ेगा लेट्स कंटिन्यू हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लाबाद से मौलवी जहांगीर महमूद साहब आप डायरेक्टर सोसाइटी फॉर एजुकेशन रिसर्च हैं और आ, आ, काफी आ, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं जो काफी रोशनी भी डालेंगे मदारस के ऊपर भी हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉ जाहिद अहमद शेख साहब प्रेजिडेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर्स एसोसिएशन पीपीएल Uh, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रोशनी डालेंगे कि किस तरह पॉलिसीज और किस तरह प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि जो पॉजिटिव सोचा जाता है मगर एंड में नेगेटिव ही हमारे बन के हमारे सामने आ जाते हैं और एक स्टैंडर्ड क्या है तालीम का जो अनफॉर्चुनेटली uh, फ्लरिश कर रहा है इस मुल्क में हमारे साथ अभी बकरम साहब हैं सीनियर सहाफी हैं ये इशू उनके दिल के बड़े करीब है फॉर मोर रीजन देन वन अभी आपको उसकी समझ भी आएगी क्यों है इनकी मुख्तलिफ जनरेशन जो इनने कवर की हैं इनकी फैमिली में भी हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर या निज़ाम तालीम के अंदर जो रह चुके हैं वो किस तरह बड़े हुए हैं क्या कंफ्यूजन सामने आई है किस तरह सोसाइटी इवॉल्व की गई है मनफी तौर पर हमारे सामने इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालेंगे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया असल मैं अभी अक्रम साहब आप ही से आगाज़ करूंगी आम आदमी जब आज ये प्रोग्राम देख रहा है हर घर में शुक्र शुक्र अल्हमद बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है मुस्तबिल के बारे में सोचा जाता है बल्कि हमारे अगले इलेक्शंस की बात कर लें तरीके भी बड़ी चल रही हैं उसके अंदर भी कहा जाता है कि मेजोरिटी आपके नौजवानों की है डेमोग्राफिकली भी ये मुल्क नौजवानों का फिफ्टी परसेंटेंट 50%, 50 तालीम की जब बात आती है तो समझ नहीं आती कि किधर से पकड़ो कौन से इशू के ऊपर बात करो मैंने आज फोकस रखना है मुख्तलिफ निज़ाम तालीम क्या ये वाकई बहुत बड़ा इशू है कितने मुख्तलि निज़ाम तालीम है जी असल बात यह है कि ये जो निज़ाम तालीम को मुख्तफ करना ये इतना बड़ा जुर्म है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बच्चों को कत्ल कर देना आप यह देखिए कि अगर अमेरिका में अमेरिका में आज एक आवाज उठती है जब वो दश वॉर ऑन अपनी सो so कॉल्ड जब वो लड़ते हैं तो वो कहते हैं ये लोग हमारी वैल्यूज के खिलाफ है और उसके नतीजे में अमरीका के अंदर से कोई आवाज नहीं उठती पूरे बरेम यूरोप पर कोई आवाज नहीं यूरोप में कोई आवाज नहीं उठती बरेम एशिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो वो कहते हैं कि हाँ जो अमरीका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे वैल्यूज के दुश्मन हैं तो उन वैल्यूज को वो शेयर करते हैं क्या आज पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स है जो ये नारा लगाए कि ये देखिए हमारी फला चीज हमारी वैल्यूज के खिलाफ है और उसके मुखालफाना या इख्लाफाना पचास आवाजें ना उठाए एक तो ये बाराइवेट स्कूल देखिए इस्लामियात या दीनी

जो मुंसलिक है और तीसरा है मदारस का निजाम आप ये बताइए कि इन तीनों ये तीनों इदारों में जब हम बच्चों को दाखिल कराते हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव सेम होते है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑल टुगेदर अलग होते हैं कैम्रिज के अंदर जो लोग जा रहे होते हैं वो मोस्टली मुल्क से बाहर सेटल होते हैं और, मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं और वहां से अगर कुछ पढ़ के वापस आ लेकिन मोस्टली वो वहीं रह जाते हैं हमारा जो लिए मकानी तालीम है जिसे हम सरकारी तालीम कहते हैं वो एक ख़ास किस्म की क्लर्काना जहनीयत को प्रोड्यूस करता है जिसके नतीजे में हमें हमारी स्टेबलिशमेंट को एक नया खून मिलता रहता है और मदारस के लोग हैं उनमें से अगर कुछ बेहतर आ जाए तो वो मौलवी जहांगीर महमूद साहब जैसे लोग हैं और अगर थोड़ा सा उनमें कहीं प्रॉब्लम जाए तो फिर वो हाथ में बंदूक पकड़ते हैं और अपनी ही स्टेट के दुश्मन हो जाते हैं तरक्की मतलब है नहीं, है, के के नहीं लेकिन यह कुछ एक खास तबका है लेकिन आजाद ने और सबसे ज्यादा इंतार वो हमारी जो वो तालीम के अंदर है हमारी जो तली पॉलिसियाँ बनती रही हैं उनका हाल क्या है कि वो बुनियादी तौर पर यानी मशावरत के अमल से आ रही हैं अभी ये हमारे बाजारानी साहब वफाकी वज़ी तालीम रहे तो मुझे एक जुमादार दोस्त ने बताया कि जब वो ताली पॉलिसी काबीना से मंजूर करवा रहे थे तो एक साफ़ी ने कहा कि आप ईमानदारी से बताएँ कि आपने ये ताली पॉलिसी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वल्ला मैंने ये ताली पॉलिसी नहीं पढ़ी यानी आप अंदाजा करें कि कुछ लोग हैं कि जो हमें डिक्टेट करवा रहे हैं कि हमने तालीमी पॉलिसी बनानी क्या है और बन... फिर जब आप बना देते हैं पेपर के ऊपर अमलन आप कहते हैं आप देखें कि एजुकेशन फॉर ऑल का आप नारा लगाते हैं आप जरा गुमान करें कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर चार से आठ लाख रुपया सालाना जो है वो फीस ली जा रही है जी। तो आप देखें ये एजुकेशन फॉर ऑल का नारा जो वो कहां चला गया हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता कि इंग्लिश मीडियम कब शुरू करना है यानी जिस मुल्क के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज का हाल ये हो आप जरा थोड़ा सा अंदाजा करें कि हमारे इस मुल्क के अंदर 70 फीसद स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें पानी बिजली और टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं है 40 फीसद बच्चे जो हैं वो क्लासरूम के बगैर जब वो पढ़ रहे हैं दरख्तों के नीचे उनके पास फर्नीचर की सहूलत नहीं है थर्टी थ्री परसेंट जो है वो जब वो तकरीबन ये चौवन हजार तीन सौ उनासी अदारे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं है और प्राइमरी स्कूल जहां पर एक क्लास के अंदर एक टीचर जब वो चाहिए लेकिन अक्सर जगहों पर आप देखें अगर आप सर्वे करवाएं तो दो टीचर से काम चल रहा है और बाद जगह एक ही टीचर पांच पांच क्लास है जो वो ले रहा है तो आप जरा देखिए ये है और दूसरी तरफ दानी स्कूल की जो वो स्कीमें हैं दूसरी तरफ जब उमरा के बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो वो क्या हो और तो क्या रहा है और के? मैं आपकी तरफ आऊंगी मौलवी जहांगीर साहब आपने दोनों मोहतरम गेस्ट की बात सुनी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब आपकी पब्लिक स्कूलिंग इतनी कमजोर हो और इतनी बेसिक फैसिलिटीज आपके लिए मिसिंग हो तो नेचुरली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दे देते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो चूज करते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम मदारस में अपने बच्चों को भेजें उनकी ये प्रेफरेंस होती है तो ये आ, मदारिस का स्टैंडर्ड जो है इसके ऊपर भी आपको पता है बहुत तंकीद की जाती है अभी हबीब ने भी कहा कि अच्छा सिस्टम अच्छा हो अच्छा बच्चा निकला है तो वो आपकी तरह होता है जरा सा कुछ खराबी कहीं हो जाए तो फिर बंदूकें भी पकड़ लेते हैं मैं समझता हूँ कि ये जो जिन आपने हजरात के नाम लिए जो उस पर तनकीद करने वाले हैं इन्होंने शायद कभी अंदर से मदरसा देखा भी नहीं होगा कि क्या होता है वहाँ पे ये बस ये उन लोगों में से एक ये फैशन है अगर आजकल आपने पैसे कमाने हैं शहरत कमानी है तो आप मदारस के ख़िलाफ़ एक किताब लिख छोड़ें तकरीर कर छोड़ें आपको हर अमेरिकन चैनल भी उठा लेगा आपको मीडिया भी उठा लेगा आपको फ़ौरन तकरीरों के लिए गेस्ट स्पीकर के लिए की नोट एड्रेस के लिए बुला लिया जाएगा इनको पता ही कुछ नहीं है कि मदरसा क्या होता है मदारस की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रही है और बड़े हम्बल और सबमिसिव किस्म के लोग ये होते हैं और ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की दिनी तालीम की उस सर्विस की या उस तलीम की क्वालिटी के ऊपर बहस हो सकती है कि वो किस मैार की है और कितनी अच्छी हो सकती है मजीद लेकिन उस पर ये इल्ज़ाम शज्जाम आप जानती हैं कि ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि ये क्यों हकीकत नहीं है जहाँ तक बात है हबीब साहब का ये कहना कि ये जो तबकाती तालीम है और ये इस तरह है जैसे बच्चों को कतल कर देना तो मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करूँगा इसलिए कि जब आप किसी शख्स को कतल कर देते हैं तो उसके साथ होने वाले और उससे निकलने वाले मसाइल खत्म हो जाते हैं लेकिन जब आप एक आदमी को एक कौन को मिस एजुकेट या रॉन्गली एजुकेट करते हैं तो तो मसाइल नस्लों तक चलते रहते हैं तो इट इज वर्स देन दैट जहांगीर साहब का जो है वो इत, इनकी के बारे में इनकी नज़र के गहरे होने से किसी को इनकार नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी दूसरे की नजर उतनी गहरी नहीं हो सकती एक तो ये बात बड़ी वाजे है दूसरी बात यह है कि जो मौलवी जहांगीर साहब जिन मदारस की बात कर रहे हैं वो मदारस ख़्वाब ख्याल में मौजूद होंगे या कहीं कहीं पाकिस्तान के किसी गोशे में छोटे से किसी टाली के नीचे या किसी बहुत अच्छे बिल्डिंग में वो मदरसा कायम होगा लेकिन मोस्टली हमारे मदरसा मदारस में जो पढ़ाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली उसको हम कह सकते हैं नफ़रत उसको हम कह सकते हैं हेट करना उसको हम कह सकते हैं एक पागलपन जो हमारे मदारस में पढ़ाया जा रहा है अगर अगर जहांगीर साहब को इनसे इन पागलों से मोहब्बत है तो पागलों से

दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर अगर आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं तो चलो मैं कहूं कि इतना डायरेक्टली वायलेंट और डेंजरस फिजिकली ना हो मगर उधर भी जो जहनी तरबियत दी जा रही है बाहर जाने की अपने अपने करियर को प्रसू करने की

और जिसके हाथ में जो नहता है वो उर्दू बोल रहा है और बीच में से जो अगर कुछ लोग जैसे मैंने अर्ज किया मदारस के कुछ लोग निकलते हैं तो वो भी उसका जवाब एक और बंदूक से देते हैं तो बात यह है कि ये दो इंतहाओं के दरमियान लड़ाई है आप आप देख लीजिए कि आज की भी कैफियत हमारे यहां वो जो लिबरल फाशिस्ट जिन्हें कहा जाता है या तो वो मारने के चक्कर में है या वो लोग हैं जो जहांगीर महमूद साहब के बकौल मदारिस की बड़ी आला रवायत को बरकरार रखते हुए हाथ में बंदूक लिए हुए फाटा में लड़ रहे हैं ये दोनों ये दोनों किस्म के लोग जो है ये सबसे ज्यादा उलझाव का शिकार है अच्छा एक मैं एक आप अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो जो एंगल हमें मगरब देता है हम आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ते हैं पहले मदारस के बारे में यही कैफियत थी और अब जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पब्लिक अदारों के पर भी इसी तरह फोकस है कि ये दहशत गर्दी के गढ़ है देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि ये महज एक इल्ज़ाम है जितने पब्लिक के अदारे हैं अब उनको फोकस करके ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये जो बै समीता हूँ कि तालीम को सुबाई इशू निसाबात के हाले से इस्लामी ममलकत के अंदर बना दिया है सूरत हाल यह कि निसाबात में से जिस तरीके के साथ आप देखें इस नज़रियाती ममलकत के अंदर जिहाद की आयात निकाली हैं सहाा सहाबियात के चैप्टर यहाँ से निकाले हैं और यहाँ किन लोगों को बलगैरिटी को दाखिल किया गया यहाँ इस मुल्क के अंदर जो निसबात इस वक्त चल रहे हैं मैं उसको मैंशन कर सकता हूँ कि उसमें लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर आपने सारे इन इस्लामाइजेशन के अमल के, के, के एक एक मिसाल दीजिए मैंने कहा कि ये निशाने अदर के चैप्टर निकाल दिए हैं जिहाद की सारी आयात निकाल दी हैं अरबी की एजुकेशन बार बार आप उसको जब वो खत्म कर रहे हैं अभी ये हमारे कॉलेज के अंदर चार कैटेगरीज बनाई गई हैं जो आप ये कह कहें कि एडजस्टमेंट पॉलिसी है उसमें ए कैटेगरी के अंदर उर्दू और इंग्लिश है बी कैटेगरी के अंदर जो है वो इन्होंने साइंसिस हैं और सी कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिक कंप्यूटर वगैरह और डी कैटेगरी के अंदर तमाम सोशल साइंस इस्लामियात और मुताल पाकिस्तान को रखा है उसके नतीजों में रातों रात सैकड़ों सीटें बड़े कॉलेज और बड़े शहरों से फारे कर देंगी सारी दुनिया के अंदर जो रूलिंग क्लास है उसका ताल्लक सोशल साइंसिस के साथ है हम ये कहते हैं कि साइंस अपनी, है, अपनी जगह एक फित्रवाजन है जो कायम रहना चाहिए और सारी दुनिया के अंदर कायम है हम किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहे लेकिन आप गो इस्लामिया को मुस्तान को और सोशल साइंसिस को टारगेट करके निकाल रहे हैं और गन पॉइंट पर अपने एजेंडे को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए से नाफज कर रहे हैं पिछले साल फीस इन्होंने बी एस चार साल की ली है जिनको अभी खुद मुख्तारी देने का प्रोग्राम रखते हैं चार हजार रुपए

मिनिस्ट्री ने बुलाया है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी सेमिनार था कोई वर्कशॉप थी और मुझे जो चेक मिला है उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस का वो एक जर्मन एनजीओ का चेक मिला है मैं खुद शायद हूँ इस बात का मुझे चेक मिले हैं ये कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो वो पे करेंगे इसलिए ऐसी बात नहीं कि ये है मैं हबीब साहब की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं इस बात को तो तस्लीम कर करूँगा और करना ही पड़ेगा कि जो लोग इस मुल्क में नौजवान नस्लों को या मजहबी जमातों को या इस्लाम के नाम को यूज़ करके मिस यूज़ करके अपने इंटरेस्ट के लिए किसी बाहर की ताकत के इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसी तहरीक कोई ऐसा फितना कोई ऐसी गर्दी करते हैं उनको मदारस के सादा तलबा में से खाम माल आसानी से मिल जाता है वो गरीब बच्चे या वो सादा बच्चे होते हैं वो मिल जाते हैं और वो इस्तेमाल हो जाते हैं लोगों के हाथों में और किन लोगों के हाथों में इस्तेमाल होते हैं ये भी सब जानते हैं ये बात तो मैं बैठ कर सकता हूँ तो फिर ये लेकिन भी सब जानते हैं मदार ये है कि वो ये बनाता है इसको भी तस्लीम कीजिए कि उधर जो लिटरेचर छपता है जो बांटा जाता है जो सिखाया जाता है जो जिन जेंडोज के ऊपर टीचर होते हैं आपकी जो आ, आ, जो भी आपका सेक्ट है उसके ऊपर आप एक एक्सट्रीम

कि वही एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जो हमारे सरकारी तलबा है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा है सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले वो तो एक बफर जोन है अगर अनफॉर्चुनेटली ना होता तो मुल्क के अंदर इस वक्त खाना जंगी की कैफियत तो मुझे एक मैं, मैंने अफवान मौलवी साहब मेरे सवाल का जवाब दें जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है एक्सटर्नल फंडिंग है और वो करोड़ों में है वो जो असर होना चाह रही है हमारी तालीमी पॉलिसी पे क्यों क्या क्या गोल्स हैं वो होना ये चाह रही है जी कि वो उनके अपने कोई उनके लॉन्ग टर्म एजेंडाज है ना जी ये बाहर लोगों की दूसरे मुल्कों को डोमिनेट करने की जो एक ख्वाहिश है और वो काफ़ी पूरी भी हो रही है और वो उसके लिए ना सिर्फ ये कि फंडिंग किसी एक तबके को हो रही है अक्रॉस द बोर्ड तमाम तबके तमाम इदारों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो फॉरन मनी की हो रही है वो चाहे बर रास्त कोई वेस्टर्न कंट्री करे वो किसी मुस्लिम कंट्री के थ्रू पैसे आए सवाल यह है कि हुकूमत सो रही है हम मान लेते हैं एक, एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमारी हुकूमत बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर रही लेकिन क्या हमारे साथ से रजिस्ट नहीं कर रहे? सवाल यह है कि तालीम हुकूमत चलाती है आज तक अगर ये दोनों असहाब बैठे हुए हैं इस्लामी तारीख में ता, तालीम हुकूमतों ने चलाई है या उसने चलाई यानी नहीं आपके तो आप पास अगर ये उसद है और उसने मतलब मासूम है और नाइव है कि इन्हें बाहर से कोई आएगा और हुकूत को कोई पैसे देगा और हुकूमत जो भी रद्दी किताब इनके हाथ में देखिए पढ़ाना शुरू कर देंगे आफरीन है ऐसे उस और ऐसे निजाम है तालीम पे इसमें कोई दो राय नहीं है कोई आपको दूसरा फर्द नहीं मिलेगा जो यकसा निजाम की यकसा नीम की जरिया तालीम की बात ना करे किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए अगली बात मैं जो करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ जो मुशावरत का अमल है यानी यह भी मैं समझता हूँ कि आपने मुशावरत की है जो मैनेजमेंट के अंदर भी और तालीमी पॉलिस के अंदर भी वाक़ता वो मशावरत का अमल जब वो आपको नजर आना चाहिए ये नहीं कि रातों रात अब अल को वज़र अजम को ख्वाब आया और सुबह उठ के आप जो बी एस चार साल को आपने नाफज कर दिया उसके नतज भी फिर आपको भुगतने पड़ेंगे उससे अगली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम को आपने सूबाईशू बनाने की बात की देखें जी इस्लामी नज़रियाती ममलकत के अंदर जो नसाबात का इशू है इस पर हमारी तकरीबन सारी बड़ी पोलिटिकल पार्टी से बात हुई है कि यह अठारहवीं तरमीम के अंदर आप जो बादशू सूबे को बना उसमें नसाबात का इशू जो है वो आइन के ताबे है अगर इसको आप सूबे को और फिर उसके बाद ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सूरत के अंदर डिस्ट्रिक्ट को दे देंगे तो ये जो खुद गवर्नमेंट जो है वो इस तबकात को और एक नेशन जब बिल्ड नहीं हो रही एक सोच को नहीं अगली बात मैं ये जो करना चाहता हूं कि ये हर मामले, है, इसके जरा... हर मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया है कि जब तक बच्चे बोर्ड के अंदर जाके एहतजाज ना करें आप रिजल्ट की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते दो साल से मैं अपने चार्टर ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं और दो महीने से मेरी समरी चले गई है और अब ये बार बार मैं कह रहा हूं कि इस सड़कों पर चार्टर्ड ऑफ डिमांड के हवाले से नहीं आना चाहिए वफाक टाइम स्केल दे चुका सूबे टाइम स्केल जब वो दे चुके हैं और बाकी के दे रहे हैं सवाल ये पैदा होता कि जब तक हम सड़कों पर नहीं आए हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई और आज भी नहीं सुनी जा रही कल भी मियाँ शजा और मान साहब आज तशीफ ही लाए उनका संजीदीदगी का आलम आप देखें कि वहाँ राना सनाउल्ला साहब टाइम देकर तीन मरतबा चेंज करके वो मीटिंग के अंदर नहीं आए सवाल ये है कि आप इस आ, मुल्क के इस के और बावकार लोगों के साथ दो महीने से ये समरी बन के वजीर अल की टेबल पर है और मैं गुजशत बारह साल से मनाज से महरूम सिर्फ कालेज इस एक जजीरा बने हुए हैं कोई तबका नहीं जिसको देखें उस्ताद, को, का उस्ताद, को, उस्ताद, का को, उस्ताद को उस्ताद को अगेन मुलाजमतों बनाए बगैर उस्ताद को मुकादिर कभी भी अपनी तरफ से बाबाकार नहीं होता उस्ताद हमेशा तलवारों उसे बाबाकार सबसे ज्यादा बाबाकार उसके तालिबे इल्म उसे बाबाकार बनाते हैं जी प्रोफेसर साहब आप देखिए 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 हबीब भाई देखिए बात ये है ए, एक चीज पर हम इतफाक साहब करेंगे ना कि पहले दिन से एजुकेशन हमारी कभी प्रायोरिटी रही ही नहीं यानी कि हुकूमत की तरफ से स्टेट की तरफ से इसकी इसकी फरोग इसकी इसकी क्वालिटी इसकी पॉलिसी हबीब साहब तो, तो कह रहे हैं कि सा की भी प्रायोरिटी नहीं रही नहीं नहीं हम सब मुजरम है बड़ी जुम्मा नहीं है कोई असाता डांसर सियासत ऑफिसर दुरुस्त है कि मुद्रिम है बिल्कुल सही हम बात है हमें दूसरे को मतून ना करें हम यहाँ पर क्यों ना करें क्यों ना करें मेरा मेरा दे ये सवाल है ये देखिए ये बड़ी ये ये बड़ी ब्रॉड सी बात है ये जिम्मेदारी से भागने वाला طرز अमल है कि देखिए असात تعلیم के हवाले से सबसे पहली जिम्मेदारी उस्ताद की है सबसे पहली ज़िम्मेदारी की है हमारे मुल्क में बखूबी आप भी आगा हैं और जहांगीर साहब भी आगा है। हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटियां आलम इस्लाम की बहुत बड़ी बड़ी वो तो के से शुरू हुई थी एक उस्ताद का अपना इनिशिएटिव था बात यह है कि आज हमारे हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो बड़ी जरूरत से आके कह देता है कि जनाब मैंने इतने एजुकेटर्स भर्ती कर लिए हैं और मैंने इतने पटवारी भर्ती कर लिए और मैंने इतने थानेदार भर्ती कर लिए छोटा वापस आने का शुक्रिया वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ निज़ाम तालीम पे और बात यही हो रही थी कि चाहे पब्लिक स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो या मदारस हों आखिरकार क्या बात है कि हमें एक यकसूँ पॉलिसी नज़र नहीं आती क्या बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इसका शिकार होते हैं इसी के साथ साथ आपने बात सुनी मौलवी जहांगीर भी कह रहे थे कि ये आ, मसला एक्चुअली जो है अक्रॉस द बोर्ड सबका है हबीब अक्रम साहब के सामने इसाथसा जो है सबसे पहले जिम्मेदार हैं क्योंकि अगर ये ओनरशिप ही नहीं लेंगे इस इशू की तो फिर और कौन लेगा आप पढ़ाते हैं आपको मालूम है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं आप इन नन्हे बच्चों की इनके मुस्तबिल की जिम्मेदारी लेते हैं कि इनके अंदर जो जो इनकलकेट किया जाएगा जो वैल्यूज़ जो जो पढ़ना लिखना जो एक थिंकिंग होगी उसको शेप और मोल्ड आप कर रहे हैं तो शायद ये कहना गलत होगा कि अगर आप कुछ और कर रहे हैं एक और डिस्ट्रिक्ट में कोई कुछ और कर रहा है एक और सूबे में कोई कुछ और कर रहा है मेरा बच्चा जो है वो एक और जहनीत से बड़ा होता है आपका बच्चा एक और जहनीत से बड़ा होता है आपके बच्चे का पाकिस्तान कुछ और है और उनके बच्चे का पाकिस्तान कुछ और है क्या इसके ऊपर सबसे पहले पूरे मुल्क के साथ साथ कोई खड़े नहीं हो जाना चाहिए जी मैं कहता हूँ कि इनकलाब वजरिया तालीम ये आज कुफर का और फिरौन का एजेंडा है तालीम ये हमारा एजेंडा होना चाहिए और तालीम के जरिए ही इनकलाब आ सकता है और वो तालीम के जो इस मुल्क को मतहद कर दे जो इसकी नजरिया डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि इसमें देखें पॉलिसी मैटर जो है उसमें तो आ, देखें हम इस हैं जितनी भी आज तक पॉलिसीज आई हैं हमने उनको स्टडी किया है उस पर तनकीद किया है उस पर अपनी सजेशन दिए नजरियाती ग्राउंड पर हर मामले पर हम ये यकसा नसाब तालीमसा निज़ाम तालीम और यकसा जरिया तालीम इस पर हमारी बिल्कुल इस पर हमारा फोकस है पूरा लिटरेचर है हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को हर नज़रियाती इशू पर ब्रीफ करते हैं और तनजीम है है इसमें जब है। उठाते हैं देखिए ये मुमकिन नहीं है ये जब तक जब तक हमारे इस हैं वो पूरी तरह आप वाली जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ओनरशिप जब तक ये मुकम्मल तौर पर ओनरशिप नहीं लेते और इस तरह नहीं लेते कि जिनको पढ़ा रहे हैं जिन तलबा को उन्हें अपनी तनख्वाओं का जरिया या अपनी आमदन का जरिया ना समझे बल्कि अपने बच्चे समझे तो डेफिनेटली सूरत हाल में तब्दीली आ जाए अगर आप भी हैं अब देखिए मसला आएगा अब तनख्वाहों का मसला आएगा ग्रेड्स का मसला आएगा किसी क्या एक को ये बात करनी है। नहीं एक बात क्या दुनिया के किसी मुआरे के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि तालीम की तरक्की उस्ताद को इज्जत वकार बकार हो जाता तो बात बात है भी मेरा मगर ये ऐसा ये। है आपने ऐसा अजीबो पढ़ाया अपने जर्नैल तालब को आपने ऐसा अजीबो पढ़ाया अपने जर्नैल तालब को के वो उठ मार्शला लगा लेता है उसे अपने उस्ताद की प्लाइट याद नहीं आती ये आपका कसूर है ये निजाम तालीम का कसूर नहीं है उसके आपने ताब इन आपने तालब इम के साथ अपना तलबी ताल्लुक ही कायम नहीं किया ये... आपने उसको अपनी तरखात का जरिया अपने ग्रेड का जरिया समझा ये... और जहांगीर साहब के मदारस में आज भी जो तलबा है वो पैसे बटोरने का एक बहुत बड़ा जरिया है सऊदी अरब लीबिया दुबई से पैसे किसको आते हैं कहां से बात बात यह है कि वो उन्हें जर्मन चेक मिल गया तो यह बुरी बात है लिबिया का चेक अरब का चेक मिलता तो फिर ठीक बात थी बात की आप अपनी आज भी इस अगर अपनी जिम्मेदारियां कबूल करके सड़क पे आ जाए ऑन कर लें मेरे बच्चे को ऑन कर लें कि यार ये जो तुम्हारे बच्चे हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं इसको हम ऑन करते हैं हम इसको एक सरीहन पाकिस्तानी और मुसलमान बनाएंगे ये सारे मामले से सेट हो जाएंगे ये बजारानी जरदारी मुशर्रफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनकी क्या जरूरत है इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि इनकी तनख्वाह के 200 रुपए कम कर दे इनके टीएडीओ को कम कर दे इनकी इनसे हम तो वक्त रखते हैं ये तो इनका काम है असल बात ये है कि ये काम करना नहीं चाहिए मैं आपसे ये यही सवाल पूछूंगी आ, आपको लगता है मौलवी साहब की अगर हबीब की बात को आगे लेके जाया जाए कि ये जिम्मेदारी शायद सादसा की पूरी नहीं हो रही अगर अगर ये स्टैंड ले, ले लें अक्रॉस 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 द कंट्री पाकिस्तान और कहें कि भाई हमें ये इस तरह पढ़ाना है हमारी जिम्मेदारी हमें इस तरह पूरी करनी है हो सकता है कि आज जो ओ लेवल ए लेवल्स की टीचर्स को अस्सी अस्सी हजार मिल रहे हैं पब्लिक स्कूल के टीचर को एक पंद्रह हजार मिल रहे हैं और मदारस के स्कूल ऐसी हजार वाली नहीं है

दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में इस होते हैं इस वक्त दुनिया में जो रह रहे हैं मैं हज़ार साल पहले इस्लाम की बात नहीं कर रहा आज दुनिया में सारे मुल्कों के तकरीबन इस हैं वो अंडर पेड सिवल सर्वेंट्स ही होते हैं उनकी तनख्वाहें थोड़ी ही होती हैं पैसे कम ही मिलते हैं वो माशरे में सबसे ऊपर मकाम नहीं रखते कोई ऐसा नहीं से होता और जो हो उस्ताद ये प्राइवेट स्कूल में डेढ़ लाख तनख्वाह लेता है वो लेवल्स टीचर के तौर के ऊपर और जो तीस हज़ार तनख्वाह लेता है सरकारी स्कूल में इज्जत दोनों की ही नहीं है इज़्ज़त सिर्फ तो अपराध की होगी जो बच्चों के सामने उस्ताद बन के दिखाएंगे इज्जत उनकी होगी जो बच्चों के सामने और जैसे कि उस्ताद को होना चाहिए करके दिखाएंगे पैसों से तो कभी किसी मैं की नहीं दो छोटे वाक्य बता आ, बड़ी साहब ने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जिधर यही कैम्ब्रिज बोर्ड का निज़ाम वगैरह है और प्राइवेट स्कूल है लिटिल स्कूल है उसके अंदर अभी हाल ही में एक छोटी बच्ची ने टीचर को कहा ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज बड़ी क्लोज सोर्सेज है कि जब डांट पड़ी डांट पड़ी और कहा कि उठो और बाहर जाओ सो उसको ये कहा गया क्या आप देख लें आप मुझे क्या कह रही हैं कल आप शायद नौकरी में ना हो आपको नहीं पता मेरे अब्बा कौन है <laughs> दूसरे केस के अंदर आप देखें कि जिधर अगर आप पब्लिक स्कूलिंग की बात कर लें यूजअली आई हैव ऑल्सो सीन के जब आप करेक्ट करें अपने उस्ताद को जब अपने उस्ताद का होमवर्क ही ना हो जब अपने उस्ताद ने अपना खुद काम ना किया हो और बच्चों को ज्यादा पता हो तो तब भी वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है तो यू you नो know, ये ये एक इनकी बात सही है यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट एग्जैक्टली exactly. जब तक आप अपने स्टूडेंट के साथ कल भी ताल्लुक नहीं कायम करेंगे उसके निसाब के साथ देखिए उस्ताद की अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा उस्ताद ग्रेड और तनख्वाह से कहीं बड़ी है, बड़ी चीज़ है दुरुस्त बात यह है कि आज एक उस्ताद को दें कि इकबाल को पढ़ाए बच्चों को वो अलामा इकबाल को एक घटिया और जटियल आदमी साबित कर देगा <स्थ> और अगर आप दूसरी तरफ पढ़ाए और अगर वो ईमानदारी से पढ़ाए तो वो बड़े आराम से इकबाल को इस दुनिया का सबसे बड़ा शायर साबित कर देगा देखिए ये उस्ताद ने बताना है

ये कह लें कि पोलिटिकल जो हमारी इन्वॉलमेंट है ना जी एक मेरेटम बनाते हैं मसलन मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि जो सबसे नकम्मा टीचर है ना जी अपने कैरियर के अतबार से उसको चुनकर सियासी लोग हेड मास्टर और प्रिंसिपल लगाते हैं और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा राशि और बद किरदार है उसको डायरेक्टर और डी पी आई लगाते आप देखें कि जब कॉलेज के अंदर काम करने वाला और तालीमी अदारे के अंदर एक काम करने वाला बंदा नक्कू है और जो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाता और वहाँ के जो अपना हमारे सियासतदान है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर जो सिस्टम बिगड़ता है तो बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिशन्स हैं बुनियादी तौर पर जो पार्लियामेंट है वो साहेबान इकतदार जो है ना वो अपना ठीक होते हैं और उसके असरात नीचे तक पॉलिसीज की सूरत के अंदर बनते हैं हमारे यहाँ कम से कम किसी जगह पर कोई मेरिट जो है वो लागू नहीं है उसकी वजह से मैं समझता हूं कि सारे तबकात के ऊपर बात आती है देखिए आप अच्छे तरीन लोगों को मेरिट पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आते हैं तो लाजमी गाले, एक प्रिंसिपल अच्छा हो ईमानदार और खुदा खौफ हो यकीन करें उस अदारे के अंदर जिस तरह की मर्जी पॉलिसी हो आपको बेहतरी नजर आ रही है कि नहीं करना भी जुड़ा हुआ है उसका भी क्या कीजिए इंसान के साथ दिल भी जुड़ा हुआ है जी उस्ताद के साथ दिमाग भी जुड़ा हुआ है देखिए हुकूमत और स्टेट को आप कल तक शाम तक बैठ के ब्लेम करते रहे लेकिन इट्स अबाउट टाइम बहुत हो गई लोगों का मुंह देखना छोड़ दें ठीक है किसी एक तबके को फैशनेबल हो जाता है कि उसको एक्सेस ऑफ ऑल ईव बना दिया जाए जिस तरह के आज मदारस को बनाया जा रहा है लेकिन इससे फर्क को नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा जब स्टेक होल्डर्स असल स्टेक होल्डर्स यहां पर पेरेंट्स हैं और सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग इस पर एलिमेंट इस का है इस को इस मुल्क के शर्म खानी चाहिए कि उनको अपने पेटों को इनको इनसे हायर राइज करके इसलाह बजरिया तालीम इनकलाब का लफ्ज मुझे पसंद ही नहीं है इसलिए इसलाह बरा तालीम माशरे में कोई लाएगा तो उसजा लाएंगे पिछले सौ साल के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें से अक्सर इस ही थे स्कूलों के के ये काम खुद आप आप कि तो। एक और मौलवी निज़ाम हम, हम हाँ। जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को किस तरह मुतासर करते हैं क्या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी हम कंफ्यूज हैं बिखरे हुए हैं ये बात दुरुस्त है अव्वल तो आइडियोलॉजी क्या है इस पर लोग कंफ्यूज्ड हैं लेकिन किसी आइडियोलॉजी अगर हो भी तो ये तबकात जो है जो कैसे कि तीन निसाब की बात की हबीब साहब ने वैसे ही फाइनेंशियल तबकात भी तो है ना जी वही निसाब है लेकिन ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास स्कूल है ना जी तो ये तो पूरा मुल्क तोड़ने की जैसे के जैसे कि कमजोर करने की साजिश है कि आपस में तबकात के अंदर किसी किस्म की कोई कम्युनिटी बचा ही ना बिल्कुल